मॉर्निंग। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और रेडी हो के आज मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने, काफ़ी टाइम के बाद, लाइक लॉकडाउन से पहले मिली थी और अब मिलने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि लेट्स व्लॉग इट। सो पहले नाश्ता, बिकॉज आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है एंड आई डोंट वॉन्ट कि मेरा स्किप हो जाए, ठीक है। सो पहले नाश्ता करते करते आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ और अपना नाश्ता भी फिनिश कर लेती हूँ। सो मैंने सबको बताया कि मेरी काफ़ी नई दोस्त थी अक्षिता, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। लॉकडाउन से पहले मिली थी मैं, काफ़ी टाइम पहले। और भाई सुबह सुबह ब्रेड और कल बनी थी दाल यम, तो गुड कॉम्बो। हाँ वैसे मॉर्निंग में ना जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करके जाती थी, बिकॉज मुझे तो मॉर्निंग में खाना खाना बिल्कुल नहीं पसंद था। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप सुबह से उठते हो और आपको भूख बहुत जल्दी लग जाती है, मैं नॉर्मली बहुत लेट उठती हूँ, बट जिस दिन मैं थोड़ी जल्दी उठती हूँ ना तो इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, मैं सब खा लूँगी। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद डायरेक्ट आपसे मिलती हूँ अक्षिता। नाउ देयर इज शी, आधा घंटा लेट, मेरे को आधा घंटा वेट करवाया तूने। आधा घंटा अभी तो एग्जिट किया था ना। अरे तो मैं बाहर नीचे बैठी थी ना। अच्छा चलो। अरे मैं फाइनली वी आर सफदरजंग टॉम, हम आ चुके सफदरजंग टॉम, इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग, और अभी हमें यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। कैमरा 25 ईच के टिकट, लेट्स गो। यहाँ पे ना बहुत शांति है। सो ये एग्जैक्टली मतलब ये छोटा है और जो हुमायूं टॉम है इसी का मतलब इससे ज़्यादा स्पेस में बहुत बड़ा है, बट इट्स सो क्वाइट और यहाँ पे बहुत शांति रहती है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग मालूम भी नहीं है। तो अगर आप इन सर्दियों के मौसम पे आना चाहो तो यहाँ आ सकते हो। जो मिलवाना चाहती थी वो है अक्षिता, शी इज़ माई फ्रेंड, और हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हाँ आफ्टर कोरोना और हम आ चुके हैं इसके सामने कुछ नहीं ब्यूटी। अक्षिता इज़ ब्यूटी। चलो अब हम आपको थोड़ा टूर देते हैं। ओके बट नाइस, और आज इज अ सनी डे और बहुत मज़ा आने वाला है, ब्लॉग करेंगे हिम्मत करके। सफदरजंग टॉम और इसके अंदर बहुत प्यारा आर्किटेक्चर है जो कि मुगल एम्पायर का आर्किटेक्चर है। दिस इज़ वेरी प्रिटी, लुक एट द, आप ये ऊपर देख रहे हो कितना अच्छा सा सब कुछ है। और ये सफदरजंग के टॉम है जो उनका मकबरा बोलते हैं, मॉस्क। अरे काफ़ी अच्छा सा ना बना हुआ है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपनी फैमिली के साथ भी इस टाइम पे आ सकते हो, लाइक ऊपर नक्काशी देख रहे हो कितनी प्रिटी है, लुक एट द व्यू। और इनके चारों तरफ गार्डन है और पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी, इट लुक्स सो अमेजिंग, सो पीसफुल। हो गया अक्षिता का शूट पे हो गया डन, ठीक है। अब हम थोड़ा गार्डन के साइड चलते हैं और कहीं और चलते हैं और क्लिप्स लेंगे, इस स्टेयर्स पे चलते हैं और हम वहाँ पे रील शूट करेंगे। लुक एट द व्यू ना, ब्लू ग्रीन, बहुत प्रिटी सा है। क्लिकिंग पिक्चर्स, रुको अक्षिता वेट, पोज। हम गए कहाँ खाए यार बताओ। साउथ इंडियन, साउथ इंडियन, हाँ साउथ इंडियन भी चलेगा बताओ। साउथ इंडियन का ऑप्शन मेरे पास एक आई एम ए में है, डोसा की दुकान है। अच्छा बाकी लोधी रोड में खन्ना मार्केट में वहाँ भी जा सकते हैं, कहीं भी, मुझे तो कुछ भी थोड़ा नॉन वहाँ निकलते हैं, बस स्ट्रीट ना आई एम ए चलते हैं, बस में चलेंगे ना, मज़ा आएगा। ठीक है लेट्स गो। एक अंकल चैन की नीड्स हो रहे हैं क्योंकि इतनी धूप है अच्छी सी और
ठंड में लोगों को क्या चाहिए, धूप, एक अच्छी लोकेशन और शांति। अच्छा ये आंटी, ओए आंटी मैं कहती हूँ अंकल है ओ, सॉरी इट्स आंटी जो कि आराम से ब्लैंकेट लेके सो रही है। गुड यार, विंटर्स में बाहर आना चाहिए। और हमारा सफदरजंग का सफ़र आज के लिए यहीं तक। अब मैं जा रही हूँ लंच करने बिकॉज इट्स 2:00 एंड आई एम फीलिंग टू हंग्री। ठीक है चलो हम चलते हैं खाना खाने। अक्षिता चलो चलो दीदी चलते हैं। कैमरे से ब्लॉगिंग करना बहुत इजी है वैसे तो, मतलब अगर कोई ब्लॉगर है या स्टार्टिंग करना चाहता है तो कैमरा इज़ द बेस्ट थिंग, और उस पर इन्वेस्ट करो, मतलब एक अच्छे फ़ोन पे इन्वेस्ट करो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बट पता है आजकल की क्या दिक्कत है कि फ़ोन लेके भाग जाते हैं, तो मैं इसलिए ये मिनट भी नहीं लगेगा मुझे यू करके जाने में। हाँ पट से और गया। तो ये दिक्कत होती है कि फ़ोन में, बट अब क्या करें यार, अगर आप कैमरा लेके जाओगे तो उसको भी तो लेके जा सकते, बट हाँ उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, इंसान सोचेगा, बट फ़ोन तो ऐसे ऐसे चट, और क्या महंगा क्या सस्ता, लोग चट लेके भागते हैं। ब्लॉगिंग इज़ टफ, मतलब बहुत टफ है, मतलब आप ये सोचते हो क्या करते हैं बस कैमरा उठा के बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है ब्रो, ऐसा नहीं है। एक दिन कैमरा उठा के खुद से बात कर लो ना, फिर समझ आएगा ठीक है कि इससे टास्क, और इससे जब तक खुद से कनेक्ट फील नहीं करोगे या तो तब तक कुछ नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को अब भी बहुत शर्म आती है ऐसे बात करने में, बट आज तो अक्षिता है सो थोड़ा ठीक लग रहा है। बाकी अब बहुत बातें हो गई है, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं, और क्या आप खाते हैं वो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ बिकॉज फूड इज़ एवरीथिंग। हाँ मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आज मैं बस में ट्रैवल करने वाली हूँ, मतलब इतना क्योंकि हमें सिर्फ आई एन ए जाना है जोरबाग से, तो कौन फिर मेट्रो ले ऑटो ले, जब केजरीवाल जी ने हमारे लिए सर्विस फ्री कर रखी है तो कभी कभार तो उसका लुत्फ़ उठाना चाहिए। तो अभी हम जाने वाले हैं बाई बस आई एन ए तक, क्योंकि वहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जो मेरे को नहीं मालूम, अक्षिता को मालूम है, तो अक्षिता टोल्ड मी कि अच्छा साउथ इंडियन फूड खा लेंगे, एंड आई लव साउथ इंडियन फूड, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब एटलीस्ट मुझे जंक फूड से आई लव साउथ इंडियन फूड। और फिर बस यही है बातें, यहीं तक बातें हैं। अबे जाएगी मतलब बस एक बार है कि उनको भी लगता है कि लड़कियों का फेवरेट रंग पिंक है, तभी पिंक कलर का, बट ऐसा नहीं है बिकॉज आई लव व्हाइट और मुझे सब रंग पसंद है। हमें तो सब कलर पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पिंक ही पसंद है। आपके मार्केट अच्छा, तो मतलब यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ग्रोसरी ग्रोसरी का ना, गुड फूड एंड एवरीथिंग। ये टाइम बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एवरीवेयर इज क्रिसमस वाइब्स, लुक एट दिस मार्केट इज फुल ऑफ क्रिसमस वाइब्स। ओ वाओ यहाँ पे बहुत कुछ है डेकोरेशन वाले। आई लव द वाइब अक्षिता, इतना प्यारा लग रहा है ना। भैया ये ट्री कितने का है पूछे इनसे, ये वाला ट्री का क्या प्राइस है इनका? ये वो है, हाँ वो सबसे बड़ा है, दिस इज फॉर 3000। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है ना, इट्स लुकिंग सो नाइस, लुक एट द डियर। दिस इज ढोसा जंक्शन इन आई एन ए मार्केट। यहाँ का मेन्यू है ढोसा जंक्शन हाउस ऑफ प्योर वेजिटेरियन फूड मेन्यू कार्ड, सो आप यहाँ पे मेन्यू देख सकते हो, अगर आप आते हो तो आप यू कैन चेक इट। यहाँ का सबसे अच्छा क्या है, डोसा ही होगा ऑब्वियसली, नाम नाम से पता चल रहा है, आलू वाला मसाला डोसा, ये वाला ना मसाला डोसा 110 का, मसाले वाले में ना आलू नहीं होगा। अच्छा
इसमें होता था मसाले वाले में, आलू वाला ही तो होता ही है मसाला डोसा। और कुछ खाना है? और मुझे लाइन एक प्लेट रवा इडली। मोमोज नहीं खाएंगे फिर बाहर जाके, काठी रोल मोमोज ना। तो एक काम करते हैं, दो दो तू नहीं खाएगी, एक से हो जाएगा, एक से हो जाएगा पक्का। ठीक है, तो एक एक मसाला डोसा है 110 का, और आई गेस प्राइसिंग भी ठीक है ना, प्राइजेस अच्छे हैं, बहुत कुछ मिलता है। ठीक है चल ऑर्डर दे देते हैं। हमारा मसाला डोसा आ चुका है एंड लुक एट द साइज। और ये सांभर है राइट, और ये उनकी चटनी, एक ऑरेंज और एक वाइट वाली कोकोनट चटनी, और ये, और मैंने लिए पेप्सी, अक्षरा लिए स्लाइस, और अब हम करेंगे इसका टेस्ट एंड रिव्यू। बचपन मेरी मम्मी बुकिंग पे जाती थी ना, वापस आ रहा है ना, इट्स सो क्रिस्पी। आलू के साथ ट्राई करती हूँ, और प्लीज सॉरी फॉर द नॉइज। आलू विथ कोकोनट चटनी और सांभर, डेफिनेटली नाइस। टमाटर की चटनी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, नाइस। सो अभी एक काम करती हूँ, पहले ये फिनिश अप करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरा खाना ठंडा हो जाए और हम इसको वेस्ट कर दें। आई वांट टू फिनिश अप, देन आई वांट टू सी यू। आपको भी 2 पीस करना क्या? हाँ कट कट करना है 2 पीसेस में, और ज़्यादा स्पाइस से कोई ज़्यादा स्पाइस चाहिए नहीं, नॉर्मली नॉर्मल रखना। ठीक है भैया, तो अभी हम हैं डी के कोलकाता की रोल, जहाँ पे हम खा रहे हैं चिकन सीख रोल सिंगल एग। ठीक है 140 का, दिस वन इज लुक सो टेम्पटिंग। क्या अच्छे से मेयो भी जा रही है, सर शूट कर रही है अपने बिग कैमरा से, बेबी कैमरा नहीं बाबा है ये, बेबी मेरा वाला है। तो ओके इट्स ऑलमोस्ट डन, इसके ऊपर जा रहे हैं कुछ मसाले और चाट मसाला समथिंग। वैसे मैं काफ़ी टाइम के बाद ऐसा कुछ रोल खा रही हूँ, काफ़ी टाइम दुर्गा पूजा में लास्ट खाया था सीआर पार्क में, बस उसके बाद से अब। हाँ उसके बाद से अब ये तो कोल्ड भी नहीं हो रहा, आधा बजे बाहर नहीं चल रहा, ज़्यादा स्टफिंग, ज़्यादा माल है इसमें, ज़्यादा माल पड़ गया इसमें भैया। तो कैसा लगा, तूने तो बहुत टाइम खाया है, तुझसे पूछ रही हूँ डोसा पहले कैसा है ना। हाँ और ये मार्केट बहुत प्यारी है ना, बहुत अच्छी मार्केट है। ओ शी इज सो क्यूट। मेरा तो ऑलमोस्ट फिल हो गया है, अच्छा अलग नहीं लेते, और उनका टेस्ट वैसा ही है ना, कभी बोर नहीं हुआ और हम अच्छा नहीं। डोसा बहुत ज़्यादा अच्छा था, और अभी रोल ट्राई करके देखेंगे, और इसको ना भैया आधा कर देना नहीं तो खाया नहीं जाएगा हमसे। और ट्राई तो, और ये कोलकाता जैसा एग्जैक्ट टेस्ट नहीं है, बट ओके आई लव द कबाब, आई लव द कबाब, बट रोल उतना ज़्यादा यम नहीं बोलूँगी। हमने पैसे लगे नहीं, हम पैसे ना भूल गए, शिट हम पैसे देना भूल गए, लेट गो उनको पैसे देना। हाउ अक्षिता हाउ बैड यू आर, एक्चुअली यू आर सो गुड कि आप अपने काम में तक खो गए हम अंकल को पता चल गया। ठीक है हो जाता है कभी कभी, अंकल ने भी पूरी अपनी कामनेस दिखाई, यहीं बैठे थे बॉट चॉप स्टिक्स, और हम इसको ट्राई करेंगे ना, मैं तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर ट्राई करूँगी कि इससे आज जाके मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेट्रो में चले तू जाएगी कैसे? ओए यहाँ पे देख शेल वाला भी है नेक पीस, अच्छा लग रहा है।
बस ठीक है फिर उतर गया तो उतर गया। मशरूम स्ट्रॉबेरी कीवी मशरूम ब्रोकली स्वीट कॉर्न मैडम जी आओ। मुझे अपना करियर बनाना है, पैसे बचाने हैं, ये सब ना मोह माया है। ठीक है मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दे, कॉल करने में थोड़ी आपत आती है ना हमें, आप कॉल सी लो कुछ भी चल रहा होगा तेरे मन में, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दे। सो ओके सो इट्स टाइम टू लीव और अब हम लोग थोड़ा आधा घंटा बाद बाद मेट्रो स्टेशन हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमारा नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ होगा, कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा, आई डोंट नो रियली। मतलब वी वॉन्ट कि हम आपसे कनेक्ट हो पाए ताकि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगे, इंटरेस्ट आए और आप हमारे ब्लॉग को शेयर करो तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा। सो या वी वॉन्ट ऑल दिस। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपने घर बिकॉज आई एम सो फ्रीकिंग टायर्ड, और अक्षिता अपने घर जा रही है बिकॉज हम दोनों ऑपोजिट रहते हैं, लाइक एकदम ऑपोजिट रहते हैं। यस सो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर, अक्षिता जा रही है अपने घर और आज के लिए कॉन्टेंट यहीं तक का था, ब्लॉग यहीं तक का था। होप यू लाइक इट। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।